वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या और सभी कलाओं की देवी है। उनकी पूजा करके प्रसन्न करने पर मनुष्य अच्छा कलाकार बनता है और उसे अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर वस्त्र पहनकर सरस्वती जी की पूजा की थी। तब से सभी हिंदुओं ने पीला वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा करने का नियम बना लिया। अगर आप ये नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। माँ सरस्वती के बारे में अलग अलग कथाएं वेदों और पुराणों में की गई है। कई जगह माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री कहा गया है और कई स्थानों पर माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में बताया गया है। एक प्रचलित कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब मानस पुत्री सरस्वती को जन्म दिया तब वे उसके रूप को देखकर खुद ही मोहित हो गए और उसको पाने के लिए उसका पीछा करने लगे। कई बार सरस्वती ने अपना रूप बदला लेकिन ब्रह्मा जी भी वैसा ही रूप लेकर उसका पीछा करते रहे। अंत में सरस्वती भगवान शिव के शरण में गई। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया और ब्रह्मा जी को अपनी मानस पुत्र का पीछा करने के कारण शाप दिया कि उनकी पूजा मंदिरों में नहीं की जाएगी। बाद में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने किसी तरह सरस्वती को मना कर उनसे विवाह कर लिया था। माँ सरस्वती हमेशा अपने हाथ में वीणा रखती है और हंस उनका वाहन है, इसलिए उन्हें हंस वाहिनी भी कहा जाता है। एक सरस्वती मंत्र अब हम आपको सुनाते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदेह कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मैं सदा। हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।